सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो ये गैस मैं नीचे उतार चुकी हूँ क्योंकि आज जा रहा है सूजी का हलवा बनने के लिए, क्योंकि आज शुभ रात है तो अम्मी बना रही है हलवा। तो आज मैं सीखने जा रही हूँ। तो हलवा बनाने के लिए पहले सूजी को भूनना पड़ता है। तो ये आधा किलो से ज़्यादा है, इसे हम भून लेंगे। तो ये रवे में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको भून लेंगे। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सूजी हो गई है, भुन चुकी है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये थोड़े शक्कर के साथ हम इलायची को पीस लेंगे, इसे हम सूजी के हलवे में भी डालेंगे और चने के हलवे में भी, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो चलो इसको पीस लेते हैं। ये सीढ़ा बनाने के लिए उसी बर्तन में हम थोड़ा सी घी डालेंगे। तो घी हो चुका है, उसके अंदर बघार के लिए दो इलायची डालेंगे और फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे सीढ़ा बनाने के लिए। तो गैस का फ्लेम हमने स्लो कर देना है क्योंकि हम पानी डालेंगे तो इसमें छींटे उड़ेंगे। तो बस इसमें इतना ही पानी डालते हैं और उसके बाद ये आधा किलो शक्कर है और आधा किलो सूजी है। सूजी आधा किलो से ज़्यादा इसके लिए है, तो वो थोड़ा सी फातिया करने के लिए गीला वाला हलवा बनाना था तो इसके लिए एक साथ में ही अम्मी ने भूंज ली है। तो आधा किलो सूजी में आधा किलो शक्कर का सीढ़ा बनता है। आप लोग ना इसका सीढ़ा दूध में भी बनाते हैं, तो ये दूध में भी बनता है पर हम लोग हमेशा पानी में बनाते हैं तो इसीलिए पानी में बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दूध में भी बना सकते हो। क्यों पीसते, पता है इलायची है ना वो बारीक सी हो जाती है, उसका पाउडर बन जाता है और शक्कर में से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसमें इलायची वाला शक्कर ऐड करना भूल गई थी तो वो हम अभी डाल देंगे क्योंकि शक्कर अभी मेल्ट नहीं हुई है और ये पीसी हुई है तो कोई मसला नहीं है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसका किमाम किस तरह से बन रहा है। जब शक्कर घुल जाते हैं तो ये इस तरह से फेन नुमा हो जाते हैं। तो ये काजू बादाम को मैंने कट कर ली हूँ और इसमें हम डालेंगे कलर वाला नारियल। तो नारियल डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास सही है तो आप लोग घर का सादा नारियल भी डाल सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो ये किमाम हो चुका है, तो देखें ये इस तरह से जब चट चट आने लगे तो समझे कि ये हो चुका है। अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। तो जब तक ये सूजी ऐड हो रही है तब तक मैंने आपसे बहुत अच्छी सी बात कर लेनी है। आज शुभ रात की रात है, आज रात हमें जागना है और हमें भर भर कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और तमाम मुसलमान व मोमिन के लिए दुआएं करनी है। हर किसी के लिए करनी है, सिर्फ मुसलमान मोमिन के लिए नहीं, क्योंकि मुसलमान मोमिन भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और सारे बंदे भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। तो हमने सबके लिए दुआ मांगनी है। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक थाली ले लेंगे, जब तक के हलवा सेट हो रहा है तब तक के हम इस पर घी से ग्रीस कर लेंगे पूरा है जो कलर वाला, और थोड़ा सी जो ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे भी डालेंगे और बाद में इसको सेट करते वक्त ऊपर भी डालेंगे। तो ये हो चुका है, अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो इसमें डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको पूरा फैला लेंगे और इसके ऊपर नारियल और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और चाकू में लगा लेंगे थोड़ा सी घी और इसे हलवे के शेप में कट कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कट हो रहे हैं और फिर इसे हम कट करने के बाद पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये मेरे घर में मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे भाई बड़े भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे अब्बा को भी पसंद है, मुझे और मेरे छोटे भाई को नहीं पसंद है, हम लोग नहीं खाते हैं इसे। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी है ये हलवा बनाना। तो आज मैंने पहली बार इसको सीखी हूँ, वो भी वीडियो की मदद से, कि वीडियो बनाना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो इसी बहाने मैं सीख ली। तो आप लोग को भी नहीं आता होगा तो आप लोग भी देख के बना सकते हो, अगर आता होगा तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये रख दी हूँ मैंने सेट करने के लिए और ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से पंखे के नीचे सेट हो जाएंगे। तो अब मैं इसे निकाल के बताती हूँ, ये अच्छे से सेट हो चुके हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से तोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से कतरे इसके निकलते हैं, बहुत टेस्टी से, बहुत यम्मी से, वाह कितने अच्छे बने माशाल्लाह। ये मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं,
मुझे नहीं आता है, तो मैंने आज पहली बार सीखी हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर जब कभी बनाऊंगी या अगले साल जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो इसी तरह से हम सारे कतरे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें नोकीली छुरी लेनी है, वो चम्मच से नहीं निकल रहा था क्योंकि चम्मच की नोक मोटी थी। और इस तरह से, और हमने इसमें नीचे घी भी ऐड किया होता है, घी से हमने इसको ग्रीस किया होता है तो उसकी वजह से भी ये टाइम लेते हैं। तो इसको हल्का सी थोड़ा सी मैंने गरम कर दी हूँ ताकि जो इसमें नीचे घी लगे हुए थे वो मेल्ट हो जाएं और ये हलवे, ये इसके जो कतरे हैं वो आसानी से निकल जाएं। तो थोड़ा सी गरम करने के बाद ये बहुत अच्छे से निकल जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि। तो ये बहुत ज़बरदस्त से सूजी के हलवे लगते हैं खाने में, दिखने में, और ये लोगों को भी बहुत पसंद होते हैं। ओ कितनी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। तो ये बन चुके हैं ज़बरदस्त से हमारे सूजी के हलवे। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके घरों में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसमें कलर वाले नारियल डालने की वजह से इसका लुक और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।